टूरिज्म गौरव डिशन में आपका स्वागत है। आज हम क्रेटा के इंजल्स में एक्सपीरियंस पेट्रोलियम पर बात कर रहे हैं, जो कि फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको हुंडई का क्रॉन में लोगो मिल जाता है, कैस्केड ग्रिल मिल जाती है, कैस्केड ग्रिल से कहा जाता है, डे टाइम रनिंग लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाती है जो कि वाइडर विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, 16 इंच का टायर है जिसमें आता है व्हील कवर के साथ में, 190 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और साइड इंडिकेटर जो है वो आपको ओवरव्यू से मिल जाता है। ड्राइवर डोर की अगर हम बात करते हैं तो ऑल फोर पावर विंडोज आपको मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पर मिलता है और साइड मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सीट एडजस्टेबल है हाइड्रोलिकली, पंप अप एंड पंप डाउन करके ये आपकी एडजस्ट हो जाती है एंड सेकंड वाला जो लीवर है वो आपको रिक्लाइन के लिए दिया है। स्टेयरिंग के कंट्रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें स्टेयरिंग पे कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि ऑडियो कंट्रोल कहलाते हैं, जिसमें आपका प्लस माइनस कर सकते हो आप अपनी वॉल्यूम को और नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो और काट सकते हो। उसके लिए आपको माइक दिया गया है जो आपकी सराउंडली आपकी बात हो सके, आपकी वॉइस कट ना हो। और टच स्क्रीन के बारे में हम बात करते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है 8 inches का, जिसमें नेविगेशन बटन दिए गए हैं दोनों साइड में। एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको इसके अंदर में मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, जैसे ही आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले जो भी है आपका वो वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, उसके लिए कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो उसमें आपका नेविगेशन भी चल जाएगा, स्पॉटिफाई गाना.com जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में है वो सारी एप्लीकेशन उसमें चल जाएंगी। 6 gear ट्रांसमिशन आपको मिलती है, क्रोम फ्रीज मिलती है गियर नॉब पर और एक रिवर्स है और 6 आपको गियर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। MID स्क्रीन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर में TPMS मिल जाता है और फ्यूल इकोनॉमी इसमें दिखाएगा, TPMS दिखा देगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाईलाइन मिलता है जो कि इंडिविजुअल टायर की PSI आपको बताता है और यहीं से ये स्विच करके हम अपनी सेटिंग्स पे जा सकते हैं, जहां से सेटिंग्स में अगर हम लाइट पे जाएं तो इल्यूमिनेशन हम यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं, टर्न इंडिकेटर जो है वो कितनी बार ब्लिंक करें वो हम यहां से सेट कर सकते हैं। मैनुअल कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं जो कि काफी सुंदर फिनिश के साथ में आपको यहां पर मिलते हैं और हेजार्ड लैंप भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है 3.0 क्वालकॉम जो कि फास्ट चार्जिंग देगी आपको। सेकेंड USB पोर्ट जो दिया गया है वो पेन ड्राइव के लिए है और 12 वोल्ट का आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाता है। सनग्लास होल्डर भी आपको यहाँ मिलता है मैप लैंप के साथ में, मैप लैंप जो है वो क्लिक वाली मिलती है, आपको क्लिक करके आपकी मैप लैंप जल जाएंगी। वाइजर्स की अगर हम बात करें तो वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है आर्मरेस्ट के साथ में। रियर एसी वेंट है जहाँ पर आपको स्मार्टफोन रखने के लिए ट्रे दी गई है। थैंक यू।